थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत बनखंडी मंदिर गैलाना में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव घर से 200 मीटर दूर जंगल में मिला। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि मामला दुष्कर्म के बाद हत्या क्या है। मृतक बच्ची का नाम खुशबू बताया जा रहा है। मृतक बच्ची के पिता का नाम सुनहरी बताया जा रहा है। मृतक बच्ची के पिता लगाते हैं सब्जी की ठेर। मौके पर पहुंची पुलिस। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। बच्ची को पोस्टमार्टम घर ले जाते समय क्षेत्रीय लोगों ने रोका पुलिस को। पुलिस ने मृतक बच्ची के माता पिता को भी नहीं देखने दिया चेहरा। क्षेत्रीय लोगों में पुलिस के प्रति भरा आक्रोश। आगरा से कपिल गौतम की रिपोर्ट। क्या करते हो? किसान हूं। कहाँ के रहने वाले हो? गैलाने का। इसी गांव के रहने वाले हो ना? हाँ। ये जो लड़की का मर्डर हुआ है कितनी उम्र है इसकी? 12 साल। और ये कब से लापता थी? 2 बजे से। फिर क्या हुआ? फिर क्या है, गाँव के कोई बकरी वाले ने बताइए। लड़की वहाँ पड़ी हुई है। मीनम प्रेमवीर। ये जो मर्डर हुआ है लड़की का, ये कौन लगती है आपकी? भतीजी है मेरी। क्या नाम है? खुशबू। इसके पिताजी क्या करते हैं? सुनहरी सब्जी का काम करते हैं। कहाँ पर? सुबह चौड़ा में। अच्छा, ये जो हुआ मर्डर हुआ है कि रेप हुआ है, क्या कहते हो इसमें? रेप होकर के मर्डर हुआ है। रेप होकर मर्डर हुआ है जी सर। अच्छा, इसकी लड़की उम्र कितनी थी? 12 साल। किस कास्ट के हो? गोले ठाकुर। अरे ये बताइए, आपने पुलिस को सूचित किया, पुलिस कितनी देर बाद पहुँची? पुलिस के साथ कम 1 घंटे बाद आई है। अच्छा, पूरी चीज बताओ। 1 घंटे बाद आई है सर। उसके बाद में हमने उनसे बोला कि हमारी मीडिया को बुलाने को, उसके बाद में हम डेड बॉडी उठाएंगे। तो उन्होंने हमसे ये बोला था कि आप सब लोग यहाँ से भीड़ इकट्ठी यहाँ ना करो और यहाँ से निकलो, हम जांच कर रहे हैं। सर, ये गैलाना में एक बच्ची की मर्डर की सूचना है, क्या मामला है ये पूरा? देखिए, थाना क्षेत्र सिकंदरा के गैलाना एरिया में एक बच्ची की डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसी सूचना पे पुलिस की टीमें, फील्ड यूनिट वगैरह सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लड़की की जो है वो शिनाख्त भी यहाँ पे हो गई है। इस तहरीर पे जो उनके घर वाले देंगे उस पर मुकदमा भी इसमें पंजीकृत किया जाएगा, और इसमें जो भी इसमें अपराधी लिप्त है उसके खिलाफ भी उसको ढूंढने की भी पूरी कोशिश की जाएगी, और फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।